गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक बाइट में। मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? छोटा सा अनाउंसमेंट है, ये है कि मैं अपने चैनल के प्लेलिस्ट में एक नई सीरीज शुरू करने ऐड करने जा रहा हूँ, जो कि है एक्सेल फॉर एवरीवन, ठीक है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो अपने चैनल पर CCNA MCSA ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है, अब एक्सेल क्यों? तो मुझे लगता है कि एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो हमको आनी चाहिए, ठीक है? मैं आपको बता दूं कि एक्सेल क्यों हमें आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम एज अ नेटवर्क इंजीनियर हों, चाहे हम डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हों, चाहे हम सर्वर इंजीनियर हों, ठीक है, हमें डे टू डे में कुछ ना कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उस केस में क्या होता है कि एक्सेल अगर हमें नहीं आती है, ठीक है, अगर हमें एक्सेल नहीं आता है तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हमें आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, या तो हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंस होना पड़ जाता है, या तो हम पूछने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सेल के अंदर, मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा आपको MIS का कोर्स यहाँ पे सिखा दूंगा, बट हाँ, आपको मैं यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा कि जो कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में उसको यूज़ कर सकते हैं। कभी कोई रिपोर्ट बनाना पड़ जाए, अगर कोई मैनेजमेंट आपको बोले कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, इस तरह से रिपोर्ट चाहिए, या ये आपकी फीलिंग में से मुझे ये डिटेल निकाल के दो, तो वो आप टू मतलब विद इन अ मिनट या एक मिनट दो मिनट में आप वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए वो इंटरव्यू के लिए गया था, और मैं आपको बता दूँ सिर्फ उसका सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि उसको एक्सेल नहीं आता है। तो मैंने ये चीज़ सोची कि हाँ यार, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें डे टू डे में आनी चाहिए। कई बार हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, और चीज़ देखो, स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने ऐड करोगे ना तो वो हमेशा आपको बेनिफिट ही देगा, ठीक है। तो हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ तो मैं सिर्फ नेटवर्किंग ही करूँगा, या मैं अगर डेस्कटॉप इंजीनियर तो मैं डेस्कटॉप ही करूँगा, मुझे कुछ करूँगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, बाकी का मुझे नहीं पता, बट मैं तो ये नहीं सोचता अपने लिए, ठीक है। मैं तो हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ सीखने की हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, हर चीज़ नए चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं अभी एक एक्सेल्स की सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपको अगर लगे कि हाँ कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये सब चीज़ें सीखनी हो, ठीक है, टू द मतलब कह सकते हो कि एडवांस बिगनर से लेकर एडवांस। मैं एक्सेल में भी आपको ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा जो कि आपको मतलब बहुत इंटरेस्ट आने वाला है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग इस एक्सेल के सीरीज़ के साथ। मैं साथ साथ इसकी भी बैक टू बैक मैं कोशिश करूँगा इसकी भी वीडियो बनाता रहूँ। तो इसकी मैं पहली वीडियो भी अपलोड करने जा रहा हूँ, एक दो दिन में इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी एक्सेल की, ठीक है। तो हम लोग साथ साथ एक्सेल को भी लेकर चलेंगे। मैं आपको बता दूँ कि मैं इस चैनल के अंदर अभी जो मैं एक्सेल, हमारे पास एक CCNA की प्लेलिस्ट चल रही है, CCNA भी चलता रहेगा, साथ साथ मेरे पास एक MCSA का भी मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सर्वर के ऊपर भी वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे ख्याल से विद इन वीक यानी या तो 10 डेज के अंदर वो भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को तीन चीज़ें मिलेंगी, एक एक्सेल फॉर एवरीवन, जहाँ पे हम लोग एक्सेल से रिलेटेड बेसिक बेसिक चीज़ें और एडवांस चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी एक CCNA की प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है, वो भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। CCNA अगर आप नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे मेरी CCNA चैनल प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और साथ साथ मैं आफ्टर 8 to 10 डेज के अंदर अंदर मैं आप लोगों को सर्वर विंडो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियोज़ भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जो कि हमारा सर्वर 2016 के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ आप नया सीखें, ठीक है, और अगर कोई आपको डाउट है या कोई ऐसी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे आती होगी तो मैं डेफिनेटली मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आने वाले नए लेक्चर के अंदर। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।